हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लॉग साइन एक्स या लॉग कॉस एक्स या लॉग टेन एक्स या लॉग सेक एक्स या लॉग कॉसेक एक्स लॉग कॉट एक्स यदि इस रूप का कोई फलन है तो इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने एक सवाल लिख रखा है, वाई बराबर लॉग साइन एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, यानी कि हम लोगों को इसका अवकलन करके अवकलज बताना है कि क्या होगा, कैसे हल करेंगे। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे अवकलन करेंगे, कैसे होगा ये हल, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग अवकलज जानते हैं सूत्र किसका, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, कि लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन यहाँ लॉग एक्स नहीं, लॉग साइन एक्स है, यही है ना। कैसे अवकलन करेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक स्टेप। तो दोनों पक्षों का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम लोग, तो डी डी एक्स लगा दिया जाए दोनों पक्षों में, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। आप कहेंगे कि डी डी एक्स क्या है, डी डी एक्स का मतलब ये है कि अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है और डी डी एक्स को अवकलन संकारक बोलते हैं। चलिए हल किया जाए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू अब देखिए तो लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता है, लेकिन यह लॉग साइन एक्स है, तो साइन एक्स को किसको, साइन एक्स को आप कह लीजिए मन में, क्या साइन एक्स को मन में कह लीजिए कि यह एक्स है। और जब साइन एक्स को मन में एक्स कह लेंगे तो लॉग एक्स का अवकलज 1/x, लेकिन आपने एक्स कहा किसको है मन में, साइन एक्स को, इसलिए यहाँ एक्स की जगह लिख लेंगे साइन एक्स, इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब किसको मन में एक्स कहे हैं उसका अवकलन कर दीजिए, तो साइन एक्स को हम लोगों ने मन में एक्स कहा है तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख लेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से यदि कोई फलन दे रखा है लॉग कॉश एक्स तो स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब यहाँ जो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ रहा है, वहाँ डी डी एक्स ऑफ कॉश एक्स आएगा, और ये जो 1/sin x है यहाँ साइन एक्स की जगह कॉश एक्स आएगा। तो इस तरह से लॉग कॉश एक्स दे दिया जाए, या फिर लॉग साइन एक्स वाला तो मैंने लिखा ही है फलन में लॉग साइन एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स दे दिया जाए, या फिर लॉग सेक एक्स दे दिया जाए, या फिर लॉग कॉसेक एक्स दे दिया जाए, या फिर लॉग कॉट एक्स दे दिया जाए, तो इनका अवकलन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जो ये समझा रहे हैं आपको। तो इसलिए इसको ध्यान से बिल्कुल समझिए कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, चलिए आगे हल किया जाए इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/sin x, और बताइए कि साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, डी डी एक्स जो साइन एक्स लिखा गया, तो साइन एक्स का अवकलज हम लोग जानते हैं कॉश एक्स होता है। तो देखिए, तो कॉश एक्स 1/sin x, तो कॉश थीटा 1/sin θ क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स बन जाएगा, यानी कि हम लोगों ने डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया, किसका, लॉग साइन एक्स का। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ वाई मिला हम लोगों को लॉग कॉट एक्स। तो इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। इस वीडियो में इतना ही, ये सवाल जो मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी के आधार पे आप लॉग कॉस एक्स का, लॉग टेन एक्स का, लॉग सेक एक्स का, या फिर लॉग कॉसेक एक्स का, या लॉग कॉट एक्स का अवकलज आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और हल कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड पेपर में यदि ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उसको खूब आराम से हल कर लें। तो मैंने ये जो वीडियो में सवाल बताया, आपको कैसा लगा, सवाल यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।